विधायक निधि रोकने पर विफरा विपक्ष, सदन में नियम 67 के तहत उठाया मामला, हंगामे के बाद विपक्ष का सदन से वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेता मसाराम के शोकोदगार के साथ शुरू हुई। करीब एक घंटे तक चले शोकोदगार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जैसे ही शोकोदगार खत्म हुआ, विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन परमार ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जो विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसको सुखविंदर सरकार ने खत्म कर दिया है, इस पर चर्चा की जाए। लेकिन सत्ता पक्ष की संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एक घंटा पहले ही विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया है जिस पर व्यवस्था दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल पर 78,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई है, इसलिए विधायक निधि को बंद किया गया है। इस पर दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार 2017 में 48,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई थी, भाजपा सरकार ने मात्र 20,000 करोड़ का ही कर्जा लिया है जो कि 68,000 करोड़ था। सरकार गलत आंकड़े पेश कर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सदन में कहा कि जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान व स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की है बल्कि रोकी है। वह इसलिए रोकी है कि छठा वेतन आयोग लागू कर दिया, पैसे का प्रावधान नहीं किया, कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां भाजपा सरकार छोड़ कर गई है, सबको मिलाकर 86,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। प्रदेश को उन्नति पर ले जाने व दिशा देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है, प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। इस बीच विपक्ष हल्ला करता रहा और सदन से वॉकआउट कर गया। देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते हैं, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कई मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे, हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 MLO से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम, हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वर्कआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। सर, उन्होंने ये कहा कि जो अभी जो स्थिति बनी है, क्या किस तरह के बिलों का क्या प्रावधान है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी लाइबिलिटी देश से जनता भी देगी, किस तरह का कौन सा ये जो वाटर सेस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 मेगावाट के करीब, उसके जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है। और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। सर, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे कि संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, जो लाइबिलिटी पहले से जो कांग्रेस सरकार की थी वो तो वो आगे लेकर गए हैं और आप तो कर्ज चुका कर नहीं गए थे, ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले, हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है।
अगर वो सोचते हैं कि मैंने हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की, 1000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज MLO को हिमाचल सदन हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है, मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहा है और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है, इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर ना रहे, आम आदमी की तरह हम लोग जिए। धन्यवाद धन्यवाद।